लव कराई हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हुए अच्छा होंगे। तो दोस्तों, आज मैं खट्टा सॉन्ग में वीडियो क्लिप्स स्टेटस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर आ गया। तो प्रीव्यू में तो देख लिया वीडियो कैसा होने वाला। तो दोस्तों, इस स्टेटस को बनाने के लिए वीडियो को एकदम पूरा देखिए बिना स्किप किए। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह डेली वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। और वीडियो बनाने में कोई भी परेशानी आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। उसके साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये जो पीएनजी फोटो यूज होने वाला है, ये पीएनजी फोटो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और जो वीडियो क्लिप्स यूज होने वाला है, ये वीडियो क्लिप्स मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये स्टेटस को बनाने के लिए एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। तो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद देखो, जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है, प्रोजेक्ट ऑप्शन में आ जाना। और देखो, ये जो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट और ये जो सेकिपेट प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से सबसे पहले डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद देखो, ये जो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट है, ये सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो दोस्तों, सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हो दोस्तों, ये जो बीट है, ये बीट में वीडियो क्लिप को ऐड करना होगा। और देख सकते हो, जो वीडियो क्लिप ऐड करोगे उसमें कौन सा इफेक्ट देना होगा, उसके लिए मैं पहले से यहाँ पर देखो लिख कर रखा हूँ। ये जो वीडियो क्लिप यहाँ पर ऐड करोगे, उधर वन नंबर इफेक्ट को देना होगा। और यहाँ पर जो वीडियो क्लिप ऐड करोगे उसमें देखो टू नंबर इफेक्ट को देना होगा। तो ऐसे करके ये जो वीडियो क्लिप यहाँ पर ऐड करोगे उसमें इफेक्ट देना होगा। ऐसे करके मैं पहले से ऐड करके रखा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना होगा, देखो ये जो बीट है, ये बीट में वीडियो क्लिप ऐड कर लेना वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो क्लिप ऐड करने के लिए देखो, ये जो प्लस ऑप्शन है पर टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना। और दोस्तों देखो, ये जो वीडियो क्लिप है, ये वीडियो क्लिप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद देखो, एक वीडियो क्लिप को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद देखो, ये जो वीडियो क्लिप है, ये लेयर को टच करना होगा। ऊपर में टच करने के बाद ये जो फिल कंपोजिशन एरिया है यहाँ पर टच कर देना। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो फुल स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद देखो, ये जो वॉल्यूम ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, और इसका जो वॉल्यूम वो जीरो कर देना। उसके बाद एक बार बैक हो जाना फिर से, और अगला बीट में चले जाना। उसके बाद देखो, इधर से वीडियो को आगे पार्ट कट करके हटा देना। उसके बाद देखो, फिर से अगला ये जो बीट है, ये बीट में आ जाना। और इधर फिर से और एक वीडियो को ऐड करना होगा। तो वीडियो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में चले जाना और एक वीडियो को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद देखो, ये जो वीडियो क्लिप है कुछ इस तरह है। तो ये देखो, फर्स्ट में जो पार्ट है, ये पार्ट हमको नहीं चाहिए। देखो, इधर से जो वीडियो है, ये वीडियो पार्ट चाहिए इधर से। तो क्या करना होगा, ये जो वीडियो लेयर है, आगे का पार्ट कट करना होगा। तो यहाँ पर टच कर देना, तो वीडियो का आगे का पार्ट कट हो जाएगा। देखो, उसके बाद फिर से ये जो वीडियो लेयर है, वीडियो लेयर को टच करना है। और ये जो बीट है, ये बीट में आ जाना, जिस बीट से ये वीडियो को ऐड करना चाहते हो। और ये जो ऑप्शन यहाँ पर टच कर देना। तो देखो, ये जो वीडियो लेयर है, ये वीडियो लेयर ये बीट में आ जाएगा। उसके बाद फिर से ये वीडियो लेयर को टच करना। ऊपर में देखो, जो थ्री डॉट है यहाँ पर टच करना होगा, और इधर से फिर कॉम्पोजिशन एरिया को टच कर देना। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो फुल स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद इस वीडियो का जो वॉल्यूम है वो जीरो कर देना। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, और इधर से इस वीडियो का वॉल्यूम जीरो कर देना। उसके बाद देखो, अगला बीट में जाने के लिए ये जो एरो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा। देख सकते हो, अगला बीट में आ गया हूँ। तो उसके बाद इधर से वीडियो का आगे का पार्ट कट करके हटा देना है इस साइड का। देखो तो दोस्तों, देख सकते हो, हमारा जो दो बीट है, दो बीट में दो वीडियो ऐड हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसा करके ये जो वीडियो है, ये वीडियो, ये जो बीट है, ये बीट में वीडियो को ऐड कर लेना सभी बीट में। और वीडियो ऐड करने के बाद दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले जो बीट है, ये बीट में वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हो, मैं सभी बीट में वीडियो को ऐड कर लिया हूँ। तो ऐसा करके आप भी ये जो बीट है, ये बीट में वीडियो को ऐड कर लेना। और वीडियो ऐड करने के बाद देखो, ये जो बीट है, ये सभी बीट में वीडियो को ऐड कर लेना। और वीडियो ऐड करने के बाद फर्स्ट में आ जाना। और फर्स्ट में आने के बाद देखो, ये जो वीडियो क्लिप है, वीडियो क्लिप में वन नंबर इफेक्ट को देना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखो
सबसे पहले एक बार बैक हो जाना, और बैक हो जाने के बाद सेकी पे जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद देखो ये जो प्रोजेक्ट है ये इसमें 5 इफेक्ट आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट में जो इफेक्ट है ये फोटो लेयर को टच करना होगा, और इफेक्ट में चले जाना, थ्री डॉट पर टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना, उसके बाद बैक हो जाना और फिर से सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो दोस्तों सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद देखो फर्स्ट में जो वीडियो क्लिप है यहाँ पर देखो ऑन नंबर इफेक्ट को देना होगा। तो नीचे में देखो लिख कर रखा हूँ, तो ये वीडियो में इफेक्ट देने के लिए वीडियो लेयर को टच करना होगा। इफेक्ट में चले जाना, थ्री डॉट पर टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो दोस्तों देख सकते हो जो वीडियो है ये वीडियो में कुछ इस तरह इफेक्ट लग जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना है, ये जो ऑन नंबर इफेक्ट है ये ऑन नंबर इफेक्ट को आगे भी एक बीट में देना होगा। तो आगे आ जाना और यहाँ पर देख सकते हो ये जो लास्ट में जो वीडियो क्लिप है यहाँ पर ये ऑन नंबर इफेक्ट को फिर से देना होगा। तो फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट में चले जाना, थ्री डॉट पर टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो दोस्तों ये जो ऑन नंबर इफेक्ट है ये इफेक्ट को और कहीं पर भी देना नहीं होगा। तो फिर से फर्स्ट में आ जाना, और फर्स्ट में आने के बाद देखो ये जो सेकंड फोटो है, सॉरी दोस्तों सेकंड जो वीडियो है, वीडियो में 2 नंबर इफेक्ट को देना होगा। तो ये वीडियो में इफेक्ट देने के लिए फिर से बैक हो जाना और सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद देखो यहाँ पर जो 2 नंबर इफेक्ट है ये इफेक्ट को कॉपी कर लेना। तो फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट में चले जाना, फिर पर टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना, उसको तो बैक हो जाना और फिर से सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो दोस्तों सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद देखो आगे चले जाना। तो यहाँ पर देखो नीचे मैं लिख कर रखा हूँ 2 नंबर इफेक्ट। तो ये जो वीडियो क्लिप है ये वीडियो क्लिप में 2 नंबर इफेक्ट को देना होगा। तो सॉरी दोस्तों वीडियो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट में चले जाना, थ्री डॉट पर टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो दोस्तों देख सकते हो जो वीडियो क्लिप है वीडियो क्लिप में कुछ इस तरह इफेक्ट लग जाएगा दोस्तों देखो। तो दोस्तों फिर से आगे चले जाना और देख लेना, और कहीं पर भी ये 2 नंबर जो इफेक्ट है वो देना होगा नहीं होगा कि नहीं, देखो यहाँ पर फिर से देखने को मिल जाएगा 2 नंबर इफेक्ट। तो दोस्तों ये जो वीडियो क्लिप है यहाँ पर भी 2 नंबर इफेक्ट को दे देना जैसे मैं देखा वैसे करके, उसके बाद फिर से आगे आ जाना। तो दोस्तों देख सकते हो ये जो वीडियो और ये वीडियो में 3 नंबर इफेक्ट को देना होगा। तो उसके लिए फिर से बैक हो जाना और सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद देखो ये जो 3 नंबर जो इफेक्ट है ये 3 नंबर इफेक्ट को कॉपी कर लेना। तो फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट में आ जाना, थ्री डॉट पर टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना, उसके बाद बैक हो जाना और फिर से सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आगे चले जाना। तो देख सकते हैं ये जो वीडियो क्लिप है ये वीडियो क्लिप में 3 नंबर इफेक्ट को देना होगा। तो दोस्तों मेरा जो मेरा अलर्ट मोशन लेग कर रहा है इसलिए थोड़ा बाद में देखो चल रहा है। तो दोस्तों ये जो वीडियो क्लिप है यहाँ पर 3 नंबर इफेक्ट को देना होगा। तो इसके लिए वीडियो लेयर को टच करना, इफेक्ट में चले जाना, थ्री डॉट पर टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो यहाँ पर देखो 3 नंबर इफेक्ट ऐड हो गया। तो दोस्तों आगे भी देख लेना और कहीं पर भी ये 3 नंबर इफेक्ट को देना होगा कि नहीं। तो यहाँ पर फिर से देखो 3 नंबर इफेक्ट को दे देना यहाँ पर, उसके बाद फिर से आगे आ जाना और यहाँ पर फिर से देखो ये जो 4 नंबर जो इफेक्ट है तो ये जो वीडियो क्लिप है यहाँ पर 4 नंबर इफेक्ट को देना होगा। तो उसके लिए फिर से बैक हो जाना और सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को फिर से ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद देखो ये जो 4 नंबर जो इफेक्ट है ये 4 नंबर इफेक्ट को कॉपी करना होगा। तो वीडियो लेयर को टच करना, सॉरी दोस्तों फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट में चले जाना, थ्री डॉट पर टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना, उसके बाद बैक हो जाना और फिर से सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आगे चले जाना और यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 4 नंबर इफेक्ट देखो नीचे। तो ये जो वीडियो है ये वीडियो में 4 नंबर इफेक्ट को देना होगा। तो ये वीडियो लेयर को टच करना, इफेक्ट में चले जाना, थ्री डॉट पर टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो दोस्तों देख सकते हो ये जो वीडियो है ये वीडियो में इफेक्ट ऐड हो गया है 4 नंबर, उसके बाद फिर से आगे आ जाना। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो वीडियो है ये वीडियो में 5 नंबर इफेक्ट देना होगा। तो उसके लिए फिर से बैक हो जाना और सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद देखो ये जो लास्ट में जो फोटो लेयर है फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट में चले जाना, थ्री पर टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना, उसके बाद बैक हो जाना और दोस्तों फिर से सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आगे चले जाना। तो यहाँ पर फिर से देखने को मिल जाएगा दोस्तों देखो 5 नंबर इफेक्ट। तो दोस्तों ये जो दोस्तों हर रोज़ मैं फ़ोटो से वीडियो बनाता हूँ इसलिए फ़ोटो मुंह में आ रहा है। तो दोस्तों देखो वीडियो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट में चले जाना, थ्री डॉट पर टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो दोस्तों देख सकते हो जो वीडियो है ये वीडियो में कुछ इस तरह इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख देख के जो इफेक्ट है वो दे देना। तो देखो यहाँ पर 3 नंबर इफेक्ट को देना होगा और यहाँ पर 2 नंबर और लास्ट में 1 नंबर। तो 1 नंबर को तो दे दिया हूँ। तो उसके बाद अब क्या करना है दोस्तों देखो एक शेप को ऐड करना होगा।
जो आपने बॉर्डर को देखा वो बॉर्डर बनाने के लिए, तो प्लस ऑप्शन को टच करना और ये वाला सब को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद ऊपर में थ्री डॉट पर टच करना होगा और इधर से फिल कंपोजिशन एरर को टच कर देना। उसके बाद देखो ये जो कलर जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को टच करना और व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद एक बार बैक हो जाना और एकदम लास्ट बिट में चले जाना, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। उसके बाद इस प्लेयर को ऐसे साइड में दबा कर रखना होगा और एकदम नीचे ये जो सॉन्ग है सॉन्ग के ऊपर इसको रखना होगा। और देखो ये जो इफेक्ट नंबर मैं देकर रखा हूँ पहले से, देखो इसको वीडियो एक्सपोर्ट करने से पहले सभी लेयर को डिलीट कर देना। ये जो वीडियो देखो मैं इफेक्ट जो नंबर देकर रखा हूँ ये लेयर को वीडियो एक्सपोर्ट करने से पहले डिलीट कर देना। उसके बाद दोस्तों वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो अब क्या करना होगा, देखो एक बार बैक हो जाना और सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद देखो ये जो थ्री जो लेयर है ये लेयर को ऐसे लॉन्ग प्रेस करके टिक कर लेना। टिक करने के बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और इधर से कॉपी थ्री लेयर कर लेना। उसके बाद बैक हो जाना और फिर से सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर पेस्ट कर देना, तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और इधर से पेस्ट थ्री लेयर कर देना। तो देख सकते हो कुछ इस तरह हमारा इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों एकदम लास्ट बिट में चले आना और थ्री लेयर को टच करके ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना और थ्री लेयर को एकदम लास्ट बिट में ले आना। तो थ्री लेयर को लास्ट बिट में लाने के बाद फिर से आगे आ जाना और दोस्तों फर्स्ट बिट में आ जाना। और फर्स्ट बिट में आने के बाद देखो पहला ऑप्शन को टच करना और ये वाला शेप को ऐड कर लेना। उसके बाद देखो एडिट शेप में आ जाना और इसका जो साइज एक्स वाई रहेगा देखो 100 100, एक्स को आप लोग बढ़ा के 520 करना है और देखो 520 कर देना। उसके बाद देखो ये जो वाई ऑप्शन है वाई ऑप्शन को टच करना होगा, इसको 1180 कर देना इस तरह बढ़ा के, देख सकते हो तो इसे बढ़ा लेना और 1180 कर लेना। उसके बाद देखो रेडियस जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और इसको आप लोग 80 कर लेना और उसके बाद एक बार बैक हो जाना एकदम लास्ट बिट में चले जाना और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो कुछ इस तरह बन गया। तो दोस्तों अब क्या करना है, एकदम नीचे आ जाना और नीचे आ जाने के बाद देखो ये जो रेक्टेंगल वन है ये लेयर को छोड़ के जितने सारे लेयर है सभी लेयर को ऐसे लॉन्ग प्रेस करके टिक कर लेना। और टिक करने के बाद देखो ये जो ऊपर में जो ऑप्शन है मिडिल में देखो यहाँ पर एक बार टच करना होगा और टच करने के बाद देखो कुछ इस तरह हमारा जो बॉर्डर है वो बन गया। तो दोस्तों अब क्या करना है, एक पीएनजी को बनाना, सॉरी दोस्तों पीएनजी ऐड करना है। तो पीएनजी ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और दोस्तों ये जो पीएनजी फोटो है ये पीएनजी फोटो को ऐड कर लेना। और पीएनजी फोटो ऐड करने के बाद देखो ये जो मूव एंड ट्रांसफर में यहाँ पर टच करना होगा और नीचे यहाँ पर लाके सेट कर देना देखो नीचे। और सेट करने के बाद एक बार बैक हो जाना एकदम लास्ट बिट में चले जाना, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो ये जो पीएनजी फोटो एकदम लास्ट में आ गया। तो दोस्तों हमारा जो वीडियो है वो बन के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो को अब एक्सपोर्ट कर लेना। तो वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए देखो ऊपर में जो शेयर ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना ही था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।